गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे वेरी शॉर्ट एंड ऑब्वियसली वेरी स्मार्ट पैराग्राफ ऑन द डाउरी सिस्टम। सबको पता है कि हमारे भारत में दहेज प्रथा चलती है, और दहेज प्रथा में क्या होता है कि जब मैरिज होती है तो गर्ल्स के पेरेंट्स को बहुत सारी मनी या फिर गिफ्ट्स बॉय की फैमिली को देने होते हैं, एंड इसको हम डाउरी सिस्टम कहते हैं। चाहे वो अपने मन से दें या फिर कई बार बॉयज़ के पेरेंट्स इन सब चीज़ों की डिमांड भी करते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से गर्ल्स को एक बर्डन समझा जाता है फैमिली पर, क्योंकि ये समझा जाता है कि उनकी शादी पर अगर फैमिली के पास दहेज नहीं हुआ तो उनकी शादी नहीं हो पाएगी, और उनका काफ़ी उनको बेइज्जती भी अपनी सहनी पड़ेगी, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट नहीं होगी इस वजह से। तो एक गर्ल जब इंडिया में बर्थ लेती है, जन्म लेती है, तो बाय बर्थ ही उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि दहेज जोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो सके, और दहेज देकर उसके इन लॉज को यानी कि उसके ससुराल वालों को खुश किया जा सके। आइए पढ़ते हैं इस पर पैराग्राफ। डाउरी सिस्टम इज प्रिवेलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सभी सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी में जो डॉरी सिस्टम है ये ज़्यादातर होता है। डॉरी इज़ वॉट, डॉरी क्या है? पेरेंट्स गिव टू देयर डॉटर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये वो है जो पेरेंट्स अपने डॉटर्स को देते हैं शादी के टाइम पर। ओके, इट इज़ ए काइंड ऑफ हेल्प गिवन टू द न्यूली मैरिड कपल फ्रॉम ब्राइड्स पेरेंट्स टू एस्टेब्लिश अ न्यू होम। ये वो हेल्प है जो ब्राइड के पेरेंट्स यानी कि दुल्हन के पेरेंट्स देते हैं नए कपल को, ताकि उनका अच्छा गृहस्थी बस सके, उनकी अच्छी एस्टेब्लिशमेंट हो सके। दिस कस्टम इज़ वेरी ओल्ड, और ये प्रथा बहुत पुरानी है, एंड इट वाज नॉट बैड इन द पास्ट। और पास्ट में यानी कि प्राचीन काल में इस प्रथा को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता था, जबकि मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी आर्ग्यूज़ हो रहे हैं इसको लेकर। बॉयज़ और गर्ल्स भी अवेयर हैं इनको लेकर। ना केवल गर्ल्स ये चाहती हैं कि अगर उनकी मैरिज हो तो उनके पेरेंट्स उनको डॉरी ना दें, बल्कि बॉयज़ भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़े होते हैं कि हमें कोई भी किसी भी तरह का दहेज नहीं चाहिए। तो ये है मॉडर्न सोसाइटी हमारी। आइए इस पैराग्राफ को दोबारा रीड करें। द डॉरी सिस्टम इज़ प्रिवेलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। डॉरी इज़ वॉट पेरेंट्स गिव टू देयर डॉटर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। It is a kind of help given to the newly married couple from bride's parents to establish a new home. This custom is very old. It was not bad in the past. Okay, past में इसको bad नहीं समझा जाता था. And after it, because it was a voluntary offer, but these days it has become a necessary evil. लेकिन इन दिनों में इस प्रथा को, दहेज प्रथा को, डॉरी सिस्टम को बहुत बुरा माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ दुल्हन के पेरेंट्स या फिर दुल्हन ही नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स डॉरी किसी तरह के दें, बल्कि दुल्हा भी, बॉयज़ भी इन चीज़ों को लेकर अवेयर हैं। वो नहीं चाहते कि वो अगर शादी कर रहे हैं तो वो गर्ल्स के पेरेंट्स से किसी तरह की हेल्प लें, क्योंकि गर्ल्स भी काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, एजुकेटेड हैं, सब कुछ हैं। तो धीरे धीरे सिस्टम चेंज हो रहा है, बच्चे कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स का माइंड चेंज करने की, एंड ऑल दैट। आगे रीच करते हैं, एंड अगर पैराग्राफ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी 1 लाख से अबव की फैमिली है, और लाइक शेयर कमेंट से ही मेरी वीडियोस पे व्यू आएंगे। व्यू आप देख सकते हैं मेरे चैनल की वीडियोस पे कम आते हैं क्योंकि आप शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। डॉरी सिस्टम हैज़ ईटन द बोन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो डॉरी सिस्टम हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही बुरा था या बुरा है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए बोन्स वो हमारी सोसाइटी के खा रहा है। दैट मीन्स बोन्स पर क्या है, पूरी बॉडी टिकी है, और अगर बोन्स ही बॉडी की नहीं रहेंगी तो बॉडी कैसे चलेगी। तो सोसाइटी में एक तरह से ये कर्स है। द बर्थ ऑफ ए डॉटर इज़ नो ओकेजियन ऑफ जॉय फॉर द पेरेंट्स। इसी के वजह से जब एक घर में एक गर्ल जन्म लेती है तो पेरेंट्स को खुशी नहीं होती है। क्यों खुशी नहीं होती है? क्योंकि वो सोचते हैं कि अब तो इसके लिए दहेज जमा करना पड़ेगा, इसकी शादी का टाइम पता नहीं, इसके ससुराल वाले इसको कैसे रखेंगे,
अगर हम उनको दहेज देंगे वो खुश होंगे या नहीं होंगे, उनको और ज़्यादा तो नहीं चाहिए होगा। कई तरह के क्वेश्चंस पेरेंट्स के माइंड में आते हैं। अ गर्ल व्हेन बिकम्स यंग इज़ अ बर्डन ऑन हर पेरेंट्स। इसी के कारण एक गर्ल जैसे ही यंग होती है वो अपने पेरेंट्स पर बोझ बनना शुरू हो जाती है। दे हैव टू फेस ग्रेट, उनको फेस करनी पड़ती हैं बहुत सारी ग्रेट डिफ़िकल्टीज इन फाइंडिंग आउट ए सुटेबल मैच फॉर देयर डॉटर्स, या फिर फॉर देयर डॉटर लिखा है यहाँ पर मैंने। इट इज़ ए प्रॉब्लम टू गेट हर मैरिड इन ए रिच एंड रिस्पेक्टेबल फैमिली विदाउट ए डिसेंट डॉरी। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है कि अगर प्रॉपर दहेज नहीं है, प्रॉपर डॉरी नहीं है गर्ल के पेरेंट्स के पास बॉय को देने के लिए, तो एक रिच और एक रिस्पेक्टेबल फैमिली ढूंढना नामुमकिन सा लगता है उन्हें। डॉरी ऑफ पुअर पेरेंट्स हाउएवर ब्यूटिफुल एंड वेल एजुकेटेड कैन नॉट बी मैरिड टू ए रिच मैन सन। अगर वेट यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे डॉरी नहीं डॉटर आएगा। डॉटर ऑफ पुअर पेरेंट्स, पुअर पेरेंट्स की अगर कोई डॉटर है वो कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कितनी भी एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन उसको उसके लिए एक रिच मैन का सन नहीं मिल सकता अगर उनके पास डॉरी नहीं है। और ऑब्वियसली पुअर पेरेंट्स कैसे डॉरी पे करेंगे। मैनी गर्ल्स कमिट सुसाइड टू सेव देयर, काफ़ी गर्ल्स जो हैं सुसाइड कर लेती हैं अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए फ्रॉम द इविल्स ऑफ डॉरी, दहेज से बचाने के लिए। ठीक है, आइए इसको एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। डॉरी सिस्टम हैज़ ईटन द बोन्स ऑफ आवर सोसाइटी, द बर्थ ऑफ ए डॉटर इज नो ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द पेरेंट्स, अ गर्ल व्हेन बिकम्स यंग इज अ बर्डन ऑन हर पेरेंट्स, दे हैव टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग आउट ए सुटेबल मैच for their daughters. It is a problem to get her married in a rich and respectable family without a decent dowry. Daughter of poor parents, however beautiful and well educated, cannot be married to a rich man's son. Many girls commit suicide to save their parents from the evils of dowry. आगे रीड करते हैं हम। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से क्लिक कर दीजिए। दिस कस्टम इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी अदर इविल्स, और ये कस्टम जो है ये रूट कॉज है बहुत सारे और बुराइयों का। पेरेंट्स कलेक्ट मनी बाय फेयर एंड फॉल मीन्स टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ ब्राइड क्रोम। तो दूल्हे को सेटिस्फाई करने के लिए पेरेंट्स हर तरह से मनी अरेंज करने की कोशिश करते हैं। आवर गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रूट आउट दिस इविल फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट ने भी डिसाइड करा है कि इस सिस्टम को इंडियन सोसाइटी से एकदम जड़ से उखाड़ देंगे। तो कैसा लगा, बहुत अच्छा। दिस सिस्टम इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी अदर इविल्स, पेरेंट्स कलेक्ट मनी बाय फेयर एंड फाउल मेथड, फाउल मीन्स टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ द ब्राइड ग्रोम। आवर गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रूट आउट दिस इविल फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, लॉज आर बींग मेड टू पुट एन एंड टू दिस बिग इविल, इस इविल को हटाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। यंग मैन आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस कर्स, और यंग मैन यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था बॉयज़ भी हैं जो मैरिड के लिए मतलब जो यंग हैं वो सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दहेज प्रथा को बंद किया जाए। वो खुद नहीं चाहते कि वो दहेज लें गर्ल की फैमिली से। पीपल शुड टेक प्लेज टू फाइट दिस ग्रेट इविल एट ऑल कॉस्ट, तो पीपल को क्या चाहिए कि एक शपथ ले लें कि इस तरह की प्रथा को वो कभी बढ़ावा नहीं देंगे। और ना केवल बॉयज़ की फैमिली, गर्ल्स की फैमिली भी ये ले लें कि अगर कोई बॉय की फैमिली डिमांड करती है दहेज की तो वहाँ वो रिश्ता ही ना करें। पीपल शुड ये तो हो गया था। इट इज़ अ स्लर ऑन द फेयर नेम ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, तो एक धब्बा है हमारी ग्रेट कंट्री के नाम पर।
तो प्लीज़ इस सिस्टम को बंद कीजिए। एंड गर्ल्स के पेरेंट्स भी अगर सोचते हैं कि वो अपने गर्ल्स को, अपने डॉटर्स को दहेज देकर उनकी लाइफ को सुटेबल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। दहेज बिल्कुल ना दें। आइए इसको दोबारा रीड करें। एंड पैराग्राफ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर तो बहुत ज़्यादा कीजिए बिकॉज व्यूज़ बहुत ज़्यादा आने चाहिए। हर एक वीडियो को पॉपुलर बना दीजिए क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ही नॉलेजेबल हैं। लॉज आर बीइंग मेड टू पुट एन एंड टू दिस बिग इविल। यंग मैन आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस कर्स। पीपल शुड टेक प्लेज टू फाइट दिस ग्रेट इविल at all cost. It is a slur on the fair name of this country. तो कैसा लगा मेरा पैराग्राफ? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल। एंड द नेम ऑफ माई चैनल इज़ एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर। बाय।